लगता है फिल्म इंडस्ट्री को तो जैसे किसी की नजर ही लग गई हो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री लगातार अपने चुनिंदा सितारों को खोती ही जा रही है। पहले लता मंगेशकर, फिर विपिन लहरी और उसके बाद अब मलयालम फिल्म के मशहूर अभिनेता प्रदीप कुमार को। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमकॉम न्यूज में, मैं हूँ आपके साथ बबली। फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो मानो जैसे नया साल बुरा आया हो। जहाँ बीते कुछ दिन पहले बॉलीवुड ने फेमस सिंगर बबली लहरी को खो दिया था, जिसके गम से फिल्म इंडस्ट्री अभी पूरी तरह से उभरी भी नहीं थी कि एक और बुरी खबर सामने आई। जी हाँ, मलयालम फिल्म के मशहूर अभिनेता प्रदीप के आर का निधन हो गया है, जिनकी उम्र 61 साल थी। उन्हें कोट्टायम के नाम से भी जाना जाता था। सूत्रों के मुताबिक एक्टर ने 17 फरवरी की सुबह अपनी आखिरी सांसें ली। आपको बता दें कि प्रदीप को अचानक छाती में दर्द हुआ, जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, पर अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए और उनका निधन हो गया। उस वक्त एक्टर केरल के कोट्टायम में थे, वही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। एक्टर की मौत की खबर सामने आने से उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग सदमे में डूबे हुए हैं और मशहूर हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक्टर को याद करते हुए ट्वीट पर लिखा, रेस्ट इन प्रदीप। आपको बता दें कि प्रदीप ने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में की थी। उस वक्त एक्टर फिल्म कॉमेडियन का रोल निभाकर दर्शकों का दिल जीत चुके और अपनी